बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यार अपन सोचते हैं कि अपने लाइफ को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे सिंपलिस्टिक बनाया जाए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम फिजिक्स को किस तरीके से इजी या सिंपलीफाई कर सकें, इसके लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जुगाड़ देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जुगाड़ है वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जितनी भी सारी चीजें हमारे आसपास है, जैसे आप सोच सकते हो हमारे पास आलू का बोरा रखा है, या हमारे पास कुछ किताबें रखी हैं टेबल पे, या कोई हमारा दोस्त है जो अलमारी को पुश कर रहा है। तो इन सारे केसेस में हम हर बार ऐसे ड्राइंग बना बना के काम नहीं चला सकते, है ना। इससे हमारी स्पीड कम हो जाएगी और एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली हम चाहेंगे कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करें और इनको कैसे हम स्पीडी कर सकें, ठीक है। तो इसका जुगाड़ होता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को आप इमेजिनेशन में आप सोच सकते हो कि एक पॉइंट के बराबर आप मान सकते हो, ठीक है। और उस पूरे बॉडी पे, उस पूरे ऑब्जेक्ट पे जो कुछ भी फोर्सेस लग रही होगी या जो कुछ भी हो रहा होगा, उसे हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे तो आप सोच सकते हो, जैसे हमारा एक दोस्त है वो इस अलमारी को धक्का मार रहा है, तो अलमारी को अपन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और हमारा जो दोस्त है वो इसको जब पुश करेगा तो कुछ फोर्स लगाएगा, तो अल्टीमेटली हम इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा दोस्त उस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इतना ज्यादा जो मेहनत वाला काम होगा वो हम अवॉइड कर लेंगे और हमारा सारा काम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हो जाएगा। तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पूरी फिजिक्स में थ्रू आउट आप देखोगे कि हम कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानेंगे, एक बिंदी बना के, एक पॉइंट बना के उस पर काम करने वाले हैं। तो इससे हमारा चीज सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इससे जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की खास बात क्या है भाई। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक पॉइंट की कोई डायमेंशन ही नहीं होती है, ना उसकी लेंथ होती है, ना उसकी विड्थ होती है, ना उसकी हाइट होती है। तो वो जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या जीरो साइज का एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी हम वीडियो के आगे में ट्रांसलेशन क्या होता है इसकी पूरी बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। और तीसरी चीज है कि ये रोटेट नहीं कर सकता। अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट को आप घुमाओगे तो आपको समझ में थोड़ी आएगा कि वो घूम गया है, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, या रोटेशन होगा भी तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा काफी सारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी जब चल रही होती है तो हो सकता है वो घूम रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर क्रिकेट खेला हो तो जब आप कैच पकड़ते हो, कभी ध्यान दिया होगा, तो जिस टाइम आप कैच पकड़ते हो तो जो बॉल होती है वो घूमती भी रहती है, तो आपके हाथ में बॉल घूमती हुई भी आती है। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स मोशन होता है कि हवा भी चल रही है, उसका रेसिस्टेंस है, देन ये बॉल घूमती हुई आ रही है, देन ये बॉल एक कर्व में आ रही है आपके पास। तो इतने सारे जो पैरामीटर्स है, इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का अजम्पशन यूज करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि एक स्प्रिंग। तो आप सोच सकते हो जो भी चीज एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, लब डब लब डब लब डब। तो बेसिकली जो भी चीज एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो उसको हम एक स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैकेनिकल सिस्टम्स में हम आगे जाके कमिंग वीडियोज में अलग अलग जो मैकेनिकल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं उनकी भी बात करेंगे। तो अभी के लिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे रहते हैं और स्प्रिंग के बारे में थोड़ी सी कहानी सुना दिया। तो इसके आगे अपन देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल चले, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट या उसको पार्टिकल भी हम बोलेंगे, ये जब चलेगा तो हमने क्या बोला था, ये ट्रांसलेट करता है। तो अगर आपने सुना होगा कि ट्रांसलेट करना मतलब कोई चीज अगर लाइन में चले तो वो ट्रांसलेट कर रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो सही चीज ये है कि अगर कोई बॉडी कुछ ऐसे चले कि उसके जो सारे पॉइंट्स है, उसकी बॉडी पे जितने भी सारे पॉइंट्स है वो एक दूसरे के पैरेलल रहे हमेशा, तब वो बॉडी कहलाता है कि वो ट्रांसलेट कर रहा है, और उसका ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये डंडा है, तो इस डंडे को मैं कैसे भी चलाऊं, आप देखोगे इसके सारे पार्टिकल्स जो है, इस डंडे के बॉडी के जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो ये ट्रांसलेट ही कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि इसका ओरिएंटेशन बदल जाए, मतलब इसका एंगल इस तरीके से बदल जाए, इसका ओरिएंटेशन बदल जाए, तब हम बोलते हैं कि ये घूम रहा है, तब ये रोटेट कर रहा है। तो तब वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं रह जाता है, तब वो रोटेशन में चला जाता है। तो इसकी बात अपन फ्यूचर में करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन में दो प्रकार के मोशंस हो सकते हैं, मतलब
जो बॉडी के सारे पार्टिकल्स है वो पैरेलल में तो चलेंगे ही चलेंगे। तो अगर ये सारे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में चले तो ये कहलाता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, और अगर उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स कर्व में चले, एक दूसरे के पैरेलल ही रहे लेकिन कर्व में चले, तब हम बोलते हैं कि वो कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या कर्व में चल रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई मोशन क्या होता है। तो जब भी आपको कोई बोलता है कि कोई चीज मूव कर रही है तो आप सोचोगे कि उसकी पोजीशन जो है वो समय के साथ बदलती जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ये भी बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव चीज है, ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटिव मैं बोलता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर सोचो कि अभी वीडियो में जैसे मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, तो मैं मूव नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं स्पेस में जाके देखूं तो अर्थ मूव कर रही है ना, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, और मैं अर्थ पे बैठा हूं तो मैं भी तो मूव कर रहा हूं स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं स्पेस में जाके, अंतरिक्ष में जाके अपने आप को देखूं तो मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगर आप सोचो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी तो पूरा पूरा मूव कर रहा है, ठीक है, हमारी पूरी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, वो भी तो एक ब्लैक होल के आजू बाजू घूम रही है। इसका मतलब हर चीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रही है। इसलिए हम कभी भी मोशन को एब्सोल्युटली नहीं बता सकते, मतलब एकदम यही है ऐसा नहीं बोल सकते। हर चीज किसी दूसरे की रिस्पेक्ट में मूव कर रही होती है, तो एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई इस पंगे से बचने के लिए क्या करें, ये जो रिलेटिव का पंगा है इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो इसके लिए बहुत ही एक शानदार कॉन्सेप्ट लाया गया विच इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले एक एग्जाम्पल अपन सोचते हैं। सपोज अपन कहीं जाते हैं तो हम किसी से अगर रास्ता पूछते हैं तो हम बोलते हैं ना, भैया मेरे को इस जगह पे जाना है यार, बताइए मैं कैसे जा सकता हूं। तो अपना दोस्त बताता है कि यहां से आप सीधे चले जाओ, फिर एक राइट मुड़ जाना, फिर एक लेफ्ट मुड़ जाना, और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो एक चीज आपने क्या गौर की, हमारे दोस्त ने क्या बोला, यहां से, मतलब उसने एक रेफरेंस सेट किया, ठीक है, एक पॉइंट सेट किया कि यहां से आप जाओगे, ठीक है। तो ये अपना बेसिकली एक ओरिजिन टाइप का हो गया कि यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब यहां से आप कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, वो इसके रिस्पेक्ट में उसने सारी बात बताई। दूसरा सवाल आप उस दोस्त से पूछ सकते हो कि यार कितना टाइम लगेगा, तो वो बोलेगा 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट का रास्ता है। तो बेसिकली इस जर्नी के लिए आपके पास दो बातें पता चली। क्या बात पता चली? कि कैसे जाना है, मतलब कहां से स्टार्ट करके आपको जाना है। दूसरी बात, कितना टाइम लगेगा। तो यही जो दो चीजें हैं बेसिकली, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे आप पोजीशन बता सकते हो या आप जैसे मूव कर रहे हो वो चीज बता सकते हो, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें मदद करेगा। दूसरी चीज, कितना समय लगने वाला है किसी चीज को, तो समय, टाइम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम और टाइम को साथ मिला के अपन बना सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चूज कैसे करें, हम कैसे सिलेक्ट करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आप सवाल कर सकते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपकी मर्जी, आप जैसे चूज कर लो। आप सामने वाले दोस्त की चाय की दुकान है या मार्केट है या आपका घर है या आपका स्कूल है या आपकी डेस्क है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी, उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपका ओरिजिन पॉइंट मान सकते हो। और वहां से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम एस्टेब्लिश करके कितना टाइम लगेगा मूवमेंट होने के लिए या पोजीशंस का जो भी हिसाब किताब है वो उसको देख लोगे, तो अल्टीमेटली इसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो हमें फिजिक्स को समझने के लिए, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे आगे। तो इनका हम बार बार यूज करते रहेंगे पूरी फिजिक्स में, चाहे वो 11th क्लास की हो, चाहे वो 12th क्लास की हो, या छोटे स्टैंडर्ड्स की भी हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।